गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7 फ्रॉम योर स्नैपशॉट बुक। क्लास 11 की जो स्नैपशॉट बुक है उसका चैप्टर 7 में बताने जा रहा हूँ। द चैप्टर नेम इज बर्थ, रिटन बाय एजे क्रोनिन। तो दिस चैप्टर इज एक्चुअली अ स्मॉल पोर्शन फ्रॉम अ बुक। दिस इज एक्सर्प्ट, EXCERPT। डू यू नो व्हाट इज एक्सर्प्ट? एक्सर्प्ट इज ए स्मॉल पोर्शन टेकन फ्रॉम अ बुक। एक छोटा सा हिस्सा जो किसी बुक से लिया जाता है वो एक्सर्प्ट कहलाता है। तो ये जो बुक है द सिटाडेल बुक से लिया गया है। द बर्थ चैप्टर, ये जो बर्थ चैप्टर है वो सिटाडेल बुक से लिया गया है। सी द मेन कैरेक्टर्स, वन इज डॉक्टर एडवर्ड पेज, हु इज ए न्यूली डॉक्टर आउट ऑफ मेडिकल स्कूल। उसने अभी भी पढ़ाई पूरी की है। सेकंड कैरेक्टर इज डॉक्टर एडवर्ड पेस। सो डॉक्टर एडवर्ड पेस के अंडर में डॉक्टर एंड्रयू मेंसन काम कर रहा है। डॉक्टर एंड्रयू मेंसन इज ए डॉक्टर हु इज न्यूली फ्रेश डॉक्टर एंड ही इज वर्किंग अंडर डॉक्टर एडवर्ड पेस। डॉक्टर एडवर्ड पेस उसका सीनियर है, उसके अंडर में डॉक्टर एंड्रयू मेंसन काम कर रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज जो मॉर्गन इज ए पर्सन जिसका एक बच्चा होने वाला है, जिसके यहाँ एक बेबी आने वाला है। 20 साल के बाद उनके घर पे कोई बच्चा आने वाला है। उसकी वाइफ सुजैन मॉर्गन जो कि प्रेग्नेंट है, और जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू मेंसन के पास इसी मकसद से जाता है। ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, ये ब्लेनली टाउन में रहता है, वेल्स माइनिंग टाउन। ये एक माइनिंग टाउन है जहाँ कोयले की खदान है, और उस जगह का नाम है ब्लेनली। तो जो ब्लेनली जगह है उसमें डॉक्टर एडवर्ड पेज वहां पे रहता है, और वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में काम करता है। इसमें जो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। उसकी दो वजह है। पहला वजह तो ये है कि उसका जो प्रोफेशन है बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं है, उसका जो करियर है बहुत अधिक सक्सेसफुल नहीं है। उसको उस टाउन में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि एक तो नया डॉक्टर है और उसको बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो फियांसी है क्रिस्टाइन, उसकी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टाइन नाम है उसका, क्रिस्टाइन से उसका अफेयर है, वो अफेयर भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो दो वजह है परेशान होने की। पहला, उसका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसको बहुत जानते नहीं है, और दूसरा वो जो क्रिस्टाइन लड़की उसके साथ उसका अफेयर अच्छा नहीं चल रहा है। इन दो वजहों से वो काफी परेशान है। तो एक दिन जब डॉक्टर एंड्रयू मेंसन आधी रात को अपने डिस्पेंसरी से घर लौटता है तो देखता है कि दरवाजे पर जो मॉर्गन नाम का एक आदमी उसका इंतजार कर रहा है। जो मॉर्गन ने उसे कहा कि उसकी वाइफ को डिलीवरी पेन हो रहा है, उसको लेबर पेन हो रहा है, और तुरंत आप चले। जो मॉर्गन रिक्वेस्टेड टू डॉक्टर एंड्रयू मेंसन दैट हिज वाइफ वाज इन लेबर पेन। उसने उसको रिक्वेस्ट किया, तो वो थका हुआ था, डॉक्टर बहुत थका हुआ था, इसके बावजूद वो जो मॉर्गन के साथ चल दिया। उसको ये नहीं पता था कि जो रात है, आज की जो रात है, ये बहुत उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जब जाकर वो देखता है तो पता चलता है कि जो मॉर्गन 20 साल के बाद अपने किसी बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है, और उसके यहाँ सुजैन मॉर्गन उसकी वाइफ है। जब डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जो मॉर्गन के घर गया तो वहां पर उसने देखा कि एक मिड वाइफ उसकी देखभाल कर रही है, सुजैन मॉर्गन की। सुजैन मॉर्गन एक बेड पर लेटी हुई है और उसके साथ एक मिड वाइफ है, और साथ में सुजैन मॉर्गन की मदर, ग्रैंड मदर, सुजैन मॉर्गन की एक मदर है, सुजैन मॉर्गन की मदर भी वहां पर है, वो देखभाल कर रहे हैं। तो जब जो मॉर्गन वहां पे पहुंचा तो काफी परेशान था, क्योंकि उसके यहाँ 20 साल के बाद एक बच्चा आने वाला था, बच्चे का जन्म होने वाला था। उसने डॉक्टर एंड्रयू मेंसन को उसके बेडरूम में भेज दिया और जो मॉर्गन बाहर रह गया, क्योंकि उसे डर था कि वो
अगर कोई ऐसी घटना घटती है, अगर बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जो मॉर्गन बाहर हो गया और उसने डॉक्टर एंड्रू मैनसन को अंदर भेज दिया। अंदर जाकर देखा, डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि अभी वक्त है, अभी बच्चा आने में वक्त है। तो उसने कहा कि अभी मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तो वहां जो ग्रैंड मदर है, जो बूढ़ी लेडी है वहां पे, उसको लगा कि डॉक्टर कहीं वापस न चले जाए। तो उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। उसने चाय बनाया और इस डर से बनाया कि डॉक्टर कहीं चला ले जाए। अब डॉक्टर, चूंकि डॉक्टर को भी एक ब्रेक की जरूरत थी, डॉक्टर को भी यह अंदाजा तो नहीं था, लेकिन वो हिम्मत भी नहीं आ रहा। उसने डिसाइड कर लिया कि वो जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक वहां से मिलेगा नहीं। इसलिए उसने वहीं पर रुकने का फैसला किया। फिर जब वो किचन में आकर उसने पानी पिया तो उसको पुरानी बात याद आने लगी। वो अपने अफेयर के बारे में सोचने लगा। वो सोचने लगा कि जितने भी मैरिजेज होती हैं वो अनसक्सेसफुल क्यों होती हैं। वो अपने डॉक्टर एडवर्ड पेज जो उसका सीनियर था उसके बारे में सोचा। वो भी अपनी वाइफ से अलग रह रहा था। वो कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचा कि जो जिसकी शादी नहीं हुई थी वो भी बहुत दुखी थे, और ऐसे लोगों के बारे में सोचा जिसकी शादी हो गई थी तब भी दुखी थे। फिर वो सोचा कि किस टाइम के साथ उसके रिश्ते का क्या होगा। ये सब सोच ही रहा था और सोचते सोचते काफी देर हो गई। फिर लगभग 3 बजे के लगभग जो मिडवाइफ ने डॉक्टर को जगाया और कहा कि ऊपर चल करके वो देख ले। तो डॉक्टर ऊपर गया और प्रोग्रेस देखा और फिर नीचे आके बैठ गया और उसे लगा कि अभी भी थोड़ा वक्त है। फिर सुबह मतलब अभी सनराइज नहीं हुआ था, 2-3 बज रहा था। उसने देखा कि चेकअप किया तो अब उसे लगा कि अब ये वक्त आ गया है। अब उसने वहां पर बहुत अथक प्रयास किया तो एक बच्चे का जन्म तो हुआ, लेकिन वो ऑलमोस्ट लाइफलेस था। वो लगभग पैरों की तरह सॉफ्ट था, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, वो बिल्कुल वाइट पड़ गया था। तो डॉक्टर उसको देखकर परेशान हो गया। चूंकि किसी भी मेडिकल स्कूल में, मतलब मेडिकल स्कूल की जो किताबें हैं उसमें इस तरह कोई केस नहीं लिखा था, लेकिन वो समझ गया कि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर उसको एक पुराना ट्रीटमेंट याद आया। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि कभी कभी जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान होता है वो हमारे काम आ जाता है। तो उसने किसी भी किताब में ये नहीं पढ़ा कि बच्चा इस तरह कंडीशन में अगर है तो क्या करना चाहिए। तो बच्चा लगभग मरा पैदा हुआ, मतलब मिडवाइफ को लगा कि बच्चा मरा पैदा हुआ है। उसको न्यूज़पेपर में लपेट करके उसको पेट के नीचे डाल दिया था, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर की ड्यूटी ये थी कि जो सुजैन मॉर्गन है, जो बच्चे की मदर है, उसको बचाना। उसका पल्स बहुत धीमे चल रहा था सुजैन मॉर्गन का, तो डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया, उसके हार्ट बीटिंग को नॉर्मल किया। फिर मिडवाइफ ने पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो मिडवाइफ ने कहा कि बच्चा बेड के नीचे पड़ा हुआ, क्योंकि मिडवाइफ को लग रहा था बच्चा मरा हुआ है। जब डॉक्टर ने उसको उठाया तो पता चला कि वो बिल्कुल वाइट पड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर को एक पुराने समय का एक केस याद आया तो समझ गया कि इसमें ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। तो तुरंत उसने फटाफट मिडवाइफ को आदेश दिया कि वो 2 बर्तन में, एक बर्तन में गर्म पानी और एक बर्तन में ठंडा पानी लाए। तो मिडवाइफ ने ऐसा किया और फिर बारी बारी से बच्चे को उसने एक बार गर्म पानी में, एक बार ठंडे पानी में डुबाया। ये बहुत ही एक चमत्कार जैसा था, कुछ हुआ नहीं लेकिन वो अथक प्रयास कर रहा था। फिर उसने टॉरस को रबिंग किया, चेस्ट को पुश किया। बहुत देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, उसका कलर वाइट से पिंक होने लगा और समझ गया कि अब ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है। बच्चा जो कि एक चमत्कार था, लोगों की नजर में ऐसा लग रहा था कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि देवता है, उसने लगभग मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। और उसके बाद से पूरे उस टाउन में वो फेमस हो गया। जिस ब्रेक की उसको तलाश थी वो ब्रेक उसको पूरा हो गया। थैंक यू।